नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जगेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि की दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 23 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष आज चतुर्थी तिथि, नक्षत्र आज है रेवती। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:42 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी मीन राशि पर। आज का राहु काल का समय रहेगा शाम 3:05 से लेकर शाम 4:50 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि की दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, काफी पिछले समय से जो आप फैसला ले रहे थे आवेश में आकर, क्रोध में आकर, और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अगर आज आप क्रोध में आकर और आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे तो आज सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि को योजनाबद्ध तरीके से काम करें, आज के दिन सही ढंग से काम करें तो काम की महत्ता भी बढ़ेगी और आज आपके प्रवृत्ति में बदलाव भी दिखेगा। और सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ काम, योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ काम आज आपके लिए काफी अच्छा और लाभदायक रहेगा। सही कामों को सही ढंग से कर पाएंगे, लाभ होगा। कन्या राशि को स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज के दिन थोड़ा सा परेशानी का है, क्योंकि आज मानसिक परेशानी, थोड़ी सी तनाव, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, शारीरिक परेशानी देखने को मिलेगी, इसलिए आराम करने की सलाह दी जाती है। तो कन्या राशि को आराम करें और सच्चा प्यार पाने की जो जिद है, जो चाहत है, उसमें थोड़े से कंट्रोल बनाए रखें। गुस्सा आ सकता है आपको, सच्चा प्यार यानी पाने में कोई बाधाएं आ सकती है। आज आपके मूड में बदलाव दिखाई देगा, हालांकि मूड को नियंत्रण बनाए रखें और बहुत जल्द आपको किसी अच्छे व्यक्ति से आज मुलाकात करने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में धन की लाभ की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, संतान की प्राप्ति, सुख सुविधा बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, मधुर संबंध बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में हंसी खुशी से आज दिन खुशियों से भरा रहेगा। साथ ही परिवर्तन भी दिखाई देगा अगर कोई भी काम पार्टनर में करते हैं। साथ ही साथ आज अच्छे परिणाम मिलेंगे और किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। योग्य व्यक्तियों से मेलजोल बना के रखेंगे तो लाभ होगा, सकारात्मक परिणाम और संतुष्टि मिलेगी। लालच से आज बचना होगा, किसी भी तरह का लालच बिल्कुल ना करें और कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें किसी के कहने पर। हालांकि शेयर मार्केट वगैरह में लाभ होगा, व्यापार में गति मिलेगी आज के दिन, और आज आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, किसी दूसरे की मदद मिल सकती है आज के दिन। आज यात्रा भी हो सकता है, साथ ही साथ आज यात्रा पर ध्यान दें और फिटनेस पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा, जिसके कारण मन में काफ़ी प्रसन्नता देखने को मिलेगी और किसी के बहकावे में आकर कहीं पर भी निवेश ना करें, खासकर लॉटरी सट्टा में। साथ ही पढ़ाई लिखाई पे स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई पे आज आपका फोकस बना रहेगा, इधर उधर की चीज़ों से बचना होगा। पढ़ाई में ध्यान लगा के सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर आप ध्यान लगाएंगे। बिजनेसमैन की बात की जाए तो आज पैसा आएगा, रुपया आएगा, शोहरत आएगी, आज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे पैसे को लेकर, धन को लेकर, व्यापार को लेकर। साथ ही साथ किसी से मनमुटाव था पार्टनरशिप में तो वो दूरी होगी। बस आपको यात्रा वगैरह करते समय और अपने घर परिवार में बातचीत करते समय सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में लाभ होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, किसी धार्मिक कार्यक्रम समारोह में शामिल हो सकते हैं और किसी की मदद हो सकती है। माता पिता के सेहत में सुधार होगा। साथ ही साथ आज घर परिवार में आज कुछ महत्वपूर्ण योजना बना के कुछ सही ढंग से काम करेंगे, सुख सुविधा में वृद्धि करते नजर आएंगे। काफ़ी समय से जो काम इम्पोर्टेंट पड़ा हुआ था, अधूरा था, उसे पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा भाग साथ निभाएगा, 80% शुभ भाग्यांक रहेगा आज आपका 6। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।